you all. So I am welcome back, guys, on the Reyes English Club. So guys, I am back with all of you with a very beautiful, summer structures, guys. You know, so today I'm going to discuss some beautiful and daily usable structures. As I regularly come and join this session with all of you, I know, to train you, dear students, you know, some very beautiful structures and some sentences to speak. So guys, आज फिर से मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. सो लेट्स कंटिन्यू गाइज. इससे पहले हम मैंने कई सारे वीडियोस आप लोगों के 230 वाले सेशंस में, मैं रेगुलरली 230 में ही आप लोगों के साथ आता हूँ, एंड बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे यूज होने वाले स्ट्रक्चर्स जो आप रोज यूज कर सकते हैं, रेगुलरली बोल सकते हैं, जो सेंटेंसेस आप हिंदी में बोलते हैं, डिफरेंस उन सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे हम बोले, यू नो. सो ऑल द स्ट्रक्चर्स, ऑल द बेसिक सेंटेंसेस दैट वी रेगुलरली यूज इन आवर स्पोकन, इन आवर कन्वर्सेशन, हाउ कैन वी चेंज दोज ऑल सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, वी लर्न इन दिस 230 सेशन. सो इफ यू हैव मिस्ड एनी प्रीवियस सेशन, ऑल द वीडियोस आर अवेलेबल distance, you know, in your, you know, channel, in your distance, you know, AS English Club platform on YouTube, you can watch over there, visit and watch it. So guys, let me continue to the next structure of the day. तो आज कुछ important structures लेकर के जो आपके basic sentences को और भी graceful बना देंगे अंग्रेजी में भी आप बोलते हैं तो. So let me continue to learn distance, you know, some beautiful structures of the day. अक्सर हम अपने स्पोकन में, कम्युनिकेशन में कुछ बेसिक सेंटेंसेस रेगुलरली बोलते हैं. जैसे हिंदी में आपको यदि बोलना है वह खाता तो है या मैं पढ़ता तो हूं, अक्सर डिसेंस आपको किसी से आप पूछनी है या बात करते हैं, भाई दुबले हुए जा रहे हो, भाई पतला हुए जा रहे हो, भाई खाना उना नहीं खाते, तो आप बेसिकली ऐसे फटाक से बोल देते हो खाता तो हूं. नहीं, या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है क्लासरूम की, आंसर्स नहीं आते क्लासरूम में, पढ़ाई तो करते हो ना, तो आप अंग्रेजी में वो हिंदी में बोल देते हैं डिसेंस फट से, पढ़ता तो हूं. या किसी के बारे में आप पूछते हो, अरे या वो क्लास आती है पढ़ने के लिए, आजकल क्लास जा रहे हो, हाँ तो जाती तो है या आती तो है या मैं क्लास जाता तो हूं. सो हाउ कैन बी चेंज इन टू इंग्लिश, कैसे हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन टू इंग्लिश. इस सारे स्ट्रक्चर्स को बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं आज के सेशन में, कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे इन सारे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में. लेट्स वी गो अहेड, दिस इज टू लर्न. आज की स्ट्रक्चर राउंड की पहली स्ट्रक्चर है, मैं खाता तो हूं, मैं खाता तो हूं, वह पढ़ती तो है, वह पढ़ती तो है. ऐसे सेंटेंसेस आप हजारों बना सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस आप क्विकली बना सकते हैं डिसेंस, नो डाउट इन इट. कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर दे रहा हूं मैं आपको. सब्जेक्ट डालेंगे एंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज लगाएंगे, ईदर ऑफ दिस टू, एंड उसके बाद वर्ब को वी-वन फॉर्म में डालेंगे, ऑब्जेक्ट है तो डालेंगे, अदरवाइज नो नीड. तो डिसेंस डू डज आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स इन प्रीवियस लेक्चर्स आल्सो, व्हिच इज द सिंगुलर एंड व्हिच इज द प्लुरल फॉर्म. Does is the singular form and do is the plural form because it came with s or s, so it is singular form, s or s ke saath aata hai, and ye main form hai, to ye plural form hai. So this is very important distance to know ki subject plus do does plus be one plus object, this is how we transform this kind of sentences, and you can transform with the help of the structure thousands of sentences you can make beautifully easily. Aap bahut sare structures, bahut sare sentences ko easily convert kar sakte ho. Kaise karenge, main khata to hu, I do it. So simple and so beautiful like this. वह पढ़ती तो है. She does study. She does study. वह पढ़ती तो है. So guys, ऐसे sentences को आप बना सकते हैं. वह आती तो है. वह खाना खाती तो है. This was एक sentence आप जरूर मुझे लिख करके बताएंगे. If you are watching this video and if you understand this, you know, the structure, and if you can use, if you think that you can use the structure to convert any Hindi sentence into English like this, आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके अंग्रेजी में इसको आप कैसे बनाएंगे. मैं उससे मिलता तो हूँ. How you can change into English, guys? Must write in the comment box. चलते this was आज की next structure की तरफ. तो ये थी आपकी आज की रेट की first structure जो मैंने आपको सिखाया, और इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को क्विकली
क्विकली बड़ी आराम से डिशेस अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं उससे मिलता तो हूँ, इफ यू नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म, आप जरूर मुझे आंसर करें। तो चलते आज की सेकंड स्ट्रक्चर की तरफ। डिशेस आज का सेकंड स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं, सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द डे, वह ही है जो मेरी मदद कर सकता है, जो मेरी मदद कर सकता है। ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत सारे बोलते हैं डिशेस। तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूं। सो डिस्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? आप प्रेजेंट में ये है, सारा हैस के साथ बना रहे हो, तो ये प्रेजेंट में है, आप इसे पास में भी कर सकते हो। तुम ही थे, वही था जिसने मेरी मदद की। डिस्टूडेंट्स, रोहन ही था जो आज मैं जिंदा हूं, उसने मेरी मदद करी, मेरी हेल्प करी, मुझे बचाया। डिस्टूडेंट्स, आप ही थे जिसने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मुझे बाहर निकाला। ऐसे सेंटेंसेस को आप पास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो ध्यान रखना डिस्टूडेंट्स, ऐसे सेंटेंसेस को कभी भी तुम ही हो, मैं ही हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर में आप क्या करना है, ऐसे सेंटेंसेस को इट से स्टार्ट करना है, और यदि प्रेजेंट में है तो इज लगाना है, और यदि पास्ट में है तो वाज लगाना है। मैं एक साथ आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं, दोनों को एक साथ बता दे रहा हूं। प्रेजेंट में है तो इज लगाना है, पास्ट में है तो वाज लगा देना है, और सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में रखना है डिस्टेंस, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा उसको अपने साथ रख देना है, सेम सेंटेंस एड कर देना है, उसके बाद सेंटेंस बहुत ईजी होगा। तो कैसे बनाएंगे? वह ही है जो मेरी मदद कर सकता है, इट्स ही who can help me। कितना सुंदर है, तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूं, इट्स यू। मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको अलग अलग लिखना है, लिख सकते हो इट इज भी लिख सकते हो, मैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में इट इज को इट्स लिख दे रहा हूं। नो इशू इन दैट, इट साउंड्स वेरी गुड डिसेंस ना, इफ यू स्पीक इट्स, इट साउंड्स ग्रेसफुल, इट साउंड्स प्लेजेंट। ओके गाइस, सो इफ यू वांट टू यू सेपरेट इट लाइक दैट, इट इज, तो आप कर सकते हो, नो वरी इन दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स यू हुम आई लव, तुम ही हो जिसे मैं प्यार करता हूं। ओके गाइस, सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, आप जरूर बताना, आप ही हो जो मुझे समझते हो, आप ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। आपको ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताएं, आप ही हो जो मुझे अच्छे से समझते हो। ओके गाइस, यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, सो आई एम गोना रब दिस। चलते डिस्टेंस आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये आपकी दूसरी स्ट्रक्चर थी, दिस वाज द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द डे। नाउ आई एम मूविंग टू द थर्ड वन गाइस, अब मैं चल रहा हूं आपके थर्ड स्ट्रक्चर की तरफ, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म एंड हाउ, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक। तो चलते डिस्टेंस आज की नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ, कैसे बनाएंगे डिस्टेंस। लिसन टू मी डिस्टेंस, मैं खाए बिना नहीं रह सकता, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता। धड़कना है, ऐसे सेंटेंसेस को लोग विदाउट लगा के बना देते हैं, आप मत करना। विदाउट लगा के बनाएंगे तो सेंटेंस का सेंस बहुत ही गंदा हो जाएगा। विदाउट लगा के बनाएंगे, जैसे आई कांट लिव विदाउट लाफिंग, ऐसे सेंटेंसेस का मतलब है ये इनकरेक्ट सेंस जाता है। डिस्टेंस आई कांट लिव विदाउट लाफिंग का मतलब होगा मैं हंसे बिना जी नहीं सकता, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिस्टेंस जैसे मैंने चावल खाए बिना जी नहीं सकता, तो चावल नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे थोड़ी ना, मरने, इसका सेंटेंस का सेंस ये होता है डिस्टेंस कि हमें ये चीज ज्यादा पसंद है, यानी हमें चावल खाना ज्यादा पसंद है, क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है, पबजी खेलना ज्यादा पसंद है, एंड जो चीजें हमें बहुत ज्यादा पसंद होती है ना, हम उसे ऐसे बोल देते हैं कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, यानी करना जरूरी है आपके लिए। सो इसका सेंस अलग जाता है, ये आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस इसके बिना आप नहीं रह सकते या जी नहीं सकते। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि आप इसको स्ट्रक्चर बेस पे बनाएंगे, जैसे वह गाना गाए बिना नहीं रह सकती, गाना गाए बिना नहीं रह सकती। ये सब सेंटेंसेस को आप कैसे बनाओगे, आई एम गोना गिव यू डिसेंस, आप बहुत ही ब्यूटीफुली बना सकते हो। सब्जेक्ट डालो और कांट हेल्प लगा दो, दिस इज कॉमन स्ट्रक्चर है, कांट हेल्प क्या लगाना है, कांट हेल्प, उसके साथ वर्ब का भी फोर लगा देना,
नहीं, this is verb का be for लगा दो, so simple बना लो, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, तो क्या बनाएंगे, I can't help laugh का be for लगाना है, can't help laughing, ये नहीं कर देंगे I can't live without laughing, इसका मतलब हुआ कि मुझे हंसना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं हंस लेता हूँ बात बात पे, वह गाना गाए बिना नहीं रह सकती, तो she can't help singing a song, she can't help singing a song, इस तरह से आप बनाएंगे डिसेंस, I can't help singing a song, ठीक है, जरा एक सेंटेंस बना के दिखाएंगे डिसेंस, मुझे आप जो है डिसेंस आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, मैं तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे बात के बिना नहीं रह सकता, how you can change into English guys, must tell me, जरूर मुझे बताएंगे if you understand this structure, okay, यदि आपको समझ में आ गई होगी तो आप मुझे जरूर बताएं, okay, let's be now, this was our third structure of the day, एक लास्ट स्ट्रक्चर मैं आज आपको फिर बताने वाला हूं, this is जो है एक स्ट्रक्चर लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे, लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ द डे, this is जो एक लास्ट स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर मैं आपको बताने वाला हूं, जरा गौर सुनेंगे, this is let's we continue, आज की चौथी एंड लास्ट स्ट्रक्चर है आपकी, this is तीन स्ट्रक्चर मैंने आज आपको डिस्कस किए, तीनों बहुत ही यूजफुल था, बहुत ही प्रैक्टिकल था, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डिस्टेंस इफ यू थिंक, यदि आपको लगता है कि ऐसा कोई सेंटेंस है जो आप नहीं बना पाते हो, इफ यू थिंक देयर इज अ सेंटेंस दैट यू कुड नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू इंग्लिश, यू मस्ट कंसल्ट इट टू मी, यू कैन राइट इन द कमेंट बिलो, दिस इज नो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस आई फील प्रॉब्लम सर, कि आप मुझे स्ट्रक्चर बता दीजिए, आई विल हेल्प यू एज सून एज इट इज पॉसिबल, तो उसके लिए आप मुझे बताना पड़ेगा, आपको मुझे चेहरे देख के, या दिस जो है यूट्यूब पे चेहरे तो दिखते नहीं है, यदि आपको प्रॉब्लम भी होगा डिस्टेंस तो मैं समझ नहीं पाऊंगा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, नहीं तो आपको मुझे लिखना पड़ेगा, आपको मुझे लिख के बताना पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू फील प्रॉब्लम इन, आपको किस तरह के सेंटेंसेस में प्रॉब्लम होती है, तो मस्ट राइट राइट नाउ, डिस्टेंस योर प्रॉब्लम आई विल सॉर्ट इट एज सून एज इट इज पॉसिबल, सो डोंट बी हेजिटेंट, डोंट बी लेट, डिस्टेंस नो क्विकली यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम विद मी, आप मुझसे बता सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, लिख सकते हो स्ट्रक्चर्स हो, प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह के सेंटेंस आपको लिखने में या बोलने में तकलीफ हो, या आपको सीखना है कुछ नई चीजें, वैसे तो मैं आपके साथ रेगुलर कुछ नई पैटर्न्स, नए स्ट्रक्चर्स लेकर के आता हूँ 2:30 में, दिस इज रेगुलर ऑनलाइन में आप 2:30 लाइव क्लासेस में मैं आपके साथ कुछ नए नए स्ट्रक्चर्स आपको सिखाता हूँ, बट फिर भी इफ देयर इज समथिंग जो आपको मिसिंग है, या आपको नहीं बता पाया मैं, या आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, सो मस्ट कंसल्ट इट टू मी, डिस्टेंस और मुझे जरूर बताइए, ओके गाइस लेट्स वी कंटिन्यू, चलते हैं डिस्टेंस आज की फोर्थ स्ट्रक्चर में, यदि आपको बोलना है कि काश मैं पक्षी होता, डिस्टेंस ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे, काश वह डॉक्टर होता, इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको कैसे अंग्रेजी में बनाएंगे, कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनटू इंग्लिश, आई एम गोना गिव यू दैट थिंग, इस कास्ट की तीन तरह के स्ट्रक्चर है, कास्ट को तीन तरह से आप बोल सकते हो, कास्ट को अंग्रेजी में आप तीन नए वर्ड्स है आपके लिए, आप इफ भी बोलो इफ यू लाइक, यदि आपको इफ नहीं बोलना है तो आप आई विश बोल लो, आपको जो पसंद है बोलो, या इट इज हाई टाइम भी एक नया वर्ड है, इट्स हाई टाइम, क्या है, इट्स हाई टाइम, इन तीनों में से आपको जो पसंद है एक से स्टार्ट करो सेंटेंस को, उसके बाद सब्जेक्ट चाहे जो कुछ भी हो आप वर्ड लगा दो, क्या लगाना है, वर्ड लगा दो और सेंटेंस को बना लो, सो सिंपल इट इज, कैसे बनाएंगे, काश मैं पक्षी होता, आई विश, इफ या इट इज हाई टाइम, आई वर्ड अ बर्ड, तीनों में से कोई भी, डिसंस काश वो डॉक्टर होता, इट इज हाई टाइम ही वर्ड अ डॉक्टर, तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे बनाएंगे, आपने देख लिया, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, साथ में डिसेंस, तो चलते हैं, आज की ये चार स्ट्रक्चर्स आपकी खत्म हो गई, एक एग्जांपल सेंटेंस में इसका भी आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है, काश मैं तुम्हारी जगह पे होता, या काश मैं तुम होता, आप बोलते ना ऐसे, काश मैं तुम्हारी जगह पे होता तो उसको कभी माफ नहीं करता, या उससे उसको सबक सिखाता, ऐसे सेंटेंसेस को अंग्रेजी में आपको बोलनी है तो आप जरूर बोलें, और डिसेंस इसके बाद लिसन टू मी, एक हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी, और If you want to complete the sentence, ऐसे sentences को आप complete करना चाहते हो, जैसे काश मैं पक्षी होता तो क्या करता, उड़ के तुम्हारे पास आ जाता, आसमान में उड़ता, काश मैं वो डॉक्टर होता तो गरीबों की फ्री में इलाज करता, ऐसे sentences को complete करना चाहते हैं तो इसके बाद फिर से subject के साथ उड़ लगा के इस्तेमाल कर सकते हो,
उसके बाद v1 का डाल v1 डाल करके ये स्ट्रक्चर आपका पोस्ट स्टेटमेंट को बना देगा, यानी इस स्ट्रक्चर के बाद आप इस स्ट्रक्चर को यूज कर लो, आपका पूरा इमेजिनेशन हो जाएगा। जैसे काश में पक्षी होता तो यहां आ जाओ, इट इज हाई टाइम आई वर अ बर्ड, उसके बाद क्या करते आसमान में उड़ता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, हो गया। काश में डॉक्टर होता, इफ आई वर अ डॉक्टर I would help the poor. आपको जो बोलना है आप बोल सकते हो, वर्ड लगा करके बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ डेसेंस यू कैन कन्वर्ट लैक्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश सो ब्यूटीफुली, एंड यू कैन एनहांस योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू कैन प्रूव योरसेल्फ टू बी अ गुड स्पीकर। ओके गाइस, सो आई होप यू लाइक दिस सेशन टुडे, आई होप यू आर लविंग दिस सेशंस इन दिस स्ट्रक्चर राउंड। इफ यू लव इट, राइट इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज़ योर कमेंट्स रियली मैटर फॉर अस। Distance, you know, it will be really inspiring for me, especially Distance, to make such a beautiful videos ahead also. Okay guys, so must write your problems and queries also in the comment box, and if you yet not subscribe the channel, must subscribe it, Distance, you know, and if you like this video, share it to friends also. Love you, thank you, see you again at the same time 2:30 tomorrow. Love you guys, take care, stay safe.